दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं और फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी कैशबैक मिला हुआ है या आपको कोई भी रिवॉर्ड मिला हुआ है, तो आखिरकार अपने कैशबैक रिवॉर्ड को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे, या आप कह सकते हैं फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, अपने हिस्ट्री पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा हमारे पास दो कैशबैक या तीन कैशबैक रिवॉर्ड आए हुए हैं। यहां पर आपको दिख जाएगा एक ये कैशबैक रिवॉर्ड है, एक ये है और एक ये है, यानी कि ₹300 हमें कैशबैक में मिले हुए हैं। और इन पैसे को हम जब देखते हैं तो ये पैसे हमारे क्या है कि ये पैसे हमारे फोन पे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस में ऐड हुए हैं। तो फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा ये पैसा सारा का सारा ऐड हुआ है और इस पैसे को हम अपने बैंक में लेना चाहते हैं। तो आखिरकार कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, क्या तरीका है और क्या होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। तो फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक करना है। यहां पर मिलेगा फोन पे ऐप और आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपने फोन पे एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आपको बताते हैं कि फोन पे वैलेट को बैंक में ट्रांसफर करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप फोन पे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी मोबाइल का रिचार्ज कर दीजिएगा या बिजली का बिल जमा कर दीजिएगा तो आपका फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि अपना रिचार्ज करिएगा तो आपका यूज हो जाएगा, अपने फ्रेंड का कर दीजिएगा तो आपका यूज हो जाएगा और उनसे पैसे अपने हाथ में ले लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इसके अंदर किसी भी लोन को आप रीपेमेंट करने के लिए या फिर आप गोल्ड को बाय करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका ये गोल्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, गोल्ड पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाइएगा बैक और एक गोल्ड का सेक्शन मिलेगा। जैसे हम नीचे आते हैं गोल्ड का और आप इस पर क्लिक करिएगा और यहां पर आप कोई भी गोल्ड आप परचेस कर सकते हैं। जैसे वन टाइम पर क्लिक करना है, मान लीजिएगा आप यहां पर ₹100 का गोल्ड लेना चाहते हैं तो यहां पर आप ₹100 डालेंगे और उसके बाद यहां पर आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपका गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपका यूज हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा और यहां से आप पे कर दीजिएगा। जैसे आप पे करिएगा और आपका जो पैसा होगा वो गिफ्ट कार्ड के आपसे बैलेंस से आपका गोल्ड बाय हो जाएगा ₹100 का। उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर आपने गोल्ड को सेल कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इतने रुपए का गोल्ड है तो हम इसे सेल करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा मैनेज और आपको मैनेज पर क्लिक करना है, सेल गोल्ड पर क्लिक करना है। तो जहां पर आप अपना गोल्ड डालेंगे, जैसे कि हम डालते हैं ₹100 का सेल करने वाले हैं, डालने के बाद यहां पर आपका यह बैंक दिखाई देगा तो आपके इस बैंक में आपका सारा गोल्ड चला, यानी कि सारा पैसा आपका चला जाएगा जो आप यहां पर अपना गोल्ड सेल करेंगे, लेकिन यह 24 घंटे के बाद आपका सेल होगा। तो पहला तरीका यह है कि आप एक अपने कैशबैक से आप गोल्ड को बाय करेंगे, बाय करने के बाद 24 घंटे के बाद आप उसे सेल कर देंगे तो आपके बैंक में आ जाएगा, लेकिन याद रहे कि आपके फोन पे में आपका बैंक लिंक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका आपके पास ये आ जाता है कि आप किसी भी फोन पे के बिजनेस QR कोड पर आप इन पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पास शॉप है, आपके फ्रेंड के पास, या कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहां पर फोन पे का बिजनेस QR कोड रखा होता है। चलो हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर ये रखा हुआ है फोन पे का ये बिजनेस QR कोड होता है। इस तरीके से आपके आपके शॉप पर या आपके फ्रेंड के शॉप पर आपका ये QR कोड रखा होता है तो आपको क्या करना है, बस आपको इस QR कोड को यहां पर स्कैन कर लेना है। जैसे हम यहां पर इसे स्कैन कर लेते हैं तो हम यहां पर इसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसके QR कोड के ऑनर का नेम आ जाएगा। अब आप यहां पर रुपए डालेंगे, जैसे मान लीजिए ₹100 हमको भेजना है तो ₹100 डालेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे, यहां पर आपका कैशबैक रहेगा, कैशबैक को सेलेक्ट करना है, पे कर देना है। जैसे आप पे करेंगे, पे करने के बाद जो आपका पेमेंट होगा वो आपके इस QR कोड पर चला जाएगा, आपके यहां पर आपके इस बैलेंस से, यानी कि गिफ्ट कार्ड बैलेंस से। और जब आपके इस QR कोड पर पैसा चला जाएगा तो आपका काम भी हो जाएगा। अगर आप उनके शॉप से कुछ बाय करेंगे तो उसका पेमेंट कर दीजिएगा, अगर बाय नहीं करते हैं तो उनके आप एक QR कोड पर ट्रांसफर कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि यार हमें पैसा आप अपने हमारे हाथों में दे दीजिएगा या हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा भी आपके
फ्रेंड के क्यूआर कोड पर चला जाएगा और फ्रेंड से आप डायरेक्ट अपने बैंक में ले लेंगे या अपने हाथ में ले लेंगे। कोई कोई क्या होता है कि आपसे चार्ज लेगा 10%, 1%, तो 100 रुपये पर 10 रुपये लेता है या 1000 रुपये पर 10 रुपये लेता है, तो आप उसे चार्ज भी दे देंगे फिर आप अपना पैसा सारा ले लेंगे। तो यही वो तरीका है जिसका आप यूज करके अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में ले सकते हैं या आप उसे अपने लिए शॉपिंग के तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ खरीदना है, बाय करना है, बिल जमा करना है, मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिसका यूज करके आप डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।